साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान दोस्तों, आज हम अपने खेत में रेटून मैनेजर चला रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। किसान दोस्तों, ट्रेंच गन्ने में रेटून मैनेजर चलाना बहुत ही आवश्यक है। ट्रेंच गन्ने पर जो मिट्टी चढ़ी होती है किसान भाइयों, उसको हटाना बहुत ही आवश्यक होता है। उसी के बाद किसान भाइयों, ट्रेंच विधि गन्ने की पेड़ी में बहुत ज़बरदस्त उत्पादन होता है। तो साथियों, इसलिए हम अपने खेत में आज रेटून मैनेजर चला रहे हैं, जैसा कि साथियों आप देख पा रहे होंगे। और ये रेटून मैनेजर किसान साथियों हमारे सावतगढ़ त्रिवेणी शुगर मिल द्वारा हमको दिया गया है। साथ ही साथ किसान भाइयों, हम DAP भी दे रहे हैं, जैसा कि साथियों आप देख पा रहे होंगे। इसमें DAP भी साथ के साथ चल रही है साथियों, क्योंकि किसान साथियों साथ में DAP देने का बहुत ही बड़ा फायदा होता है। तब इसकी नई जड़ निकलेंगी तो किसान भाइयों तुरंत उनको DAP उपलब्ध हो जाएगी, जिसके कारण किसान भाइयों हमारी पेड़ी गन्ने में बहुत ज़बरदस्त ब्यांत निकलेगा। किसान साथियों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये बिल्कुल नया रेटून मैनेजर है। और किसान साथियों, इससे पहले हमने अपने खेतों में कभी रेटून मैनेजर का प्रयोग नहीं किया था। पहली दफ़ा हमने ट्रेंच विधि का गन्ना लगाया था, तो किसान भाइयों पहली दफ़ा ही हम अपने खेतों में रेटून मैनेजर चला रहे हैं। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार मिट्टी को काटा जा रहा है। सबसे अधिक किसान साथियों ट्रेंच गन्ने में रेटून मैनेजर चलाने का ये फ़ायदा होता है, जितना भी व्यांत आएगा किसान साथियों, सारा व्यांत एक साथ आएगा। कोई भी गन्ना किसान साथियों छोटा बड़ा नहीं रहेगा, सब सामान्य आकार के गन्ने निकल के चलेंगे। और साथियों साथ में हम अपने मिनी ट्रैक्टर द्वारा कल्टीवेटर से इसकी खाली कूड़ों की किसान भाइयों जुताई भी कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन किसान दोस्तों, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा रेटून मैनेजर किस प्रकार गन्ने की कटिंग करता है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, कुछ इस प्रकार गन्नों को मिट्टी के अंदर से काट दिया जाता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे, रेटून मैनेजर चलने के बाद कुछ इस प्रकार का हमारा गन्ना दिखाई देता है। और साथियों साथ में आपको दिखाना चाहूँगा, जो साइड में पुरानी जड़ होती हैं उनको तवे की मदद से किसान भाइयों काट दिया जाता है। तो जैसा कि साथियों आप देख पा रहे होंगे, बहुत गहराई तक सारी पुरानी जड़ों को किसान भाइयों काट दिया जाता है। और किसान भाइयों, जब पुरानी जड़ कट जाती हैं, उसी के बाद नई जड़ों का विकास होता है। साथ में किसान दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इसमें गन्ना वैरायटी 0118 का पौधा था। और साथियों हमने पहली दफ़ा सिंगल लाइन ट्रेंच गन्ने की बुवाई की है, और हमारे इस खेत में बहुत ही ज़बरदस्त गन्ने ने उत्पादन दिया है। किसान दोस्तों, हमारे इस खेत में हमारे गन्ने ने 85 कुंटल बीघे के हिसाब से उत्पादन दिया है, जो कि हमारे यहाँ पर 5 विषय का बीघा है। तो किसान साथियों, पहली दफ़ा में ही ट्रेंच विधि से काफ़ी अच्छा उत्पादन निकला है। और किसान साथियों आप देख पा रहे होंगे, रेटून मैनेजर चलाने के बाद किसान साथियों हम अपने इस खेत में साथ के साथ छोटे ट्रैक्टर से कल्टीवेटर भी चला रहे हैं। किसान भाइयों, ये भी आपको बताऊंगा कि इसमें साथ के साथ कल्टीवेटर क्यों चलाया जा रहा है। साथियों आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा 5 फाली का किसान भाइयों कल्टीवेटर है, इसको हम अपने मिनी कुबोटा की सहायता से चला रहे हैं। तो साथियों आपको बताना चाहूँगा, हम अपने इस खेत में पेड़ी गन्ने के साथ सह फसली में भी कुछ फसल लगाएंगे। तो किसान भाइयों, उसकी भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी कि हम अपने पेड़ी गन्ने के साथ सह फसली में कौन सी फसल लेंगे। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि मैं तब भी कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके।